Hello students, welcome to KG classes. Let us know about polygons. Polygons kya hote hai? A polygon is a closed figure made up of three or more line segment. Jo three ya fir usse zyada line segment se bana ho aur closed ho, wo kya hota hai polygon? Ye ek bhi ek polygon hai. Kitne line segment hai? 1 2 3. Ye bhi polygon hai. 1 2 3 4 lines hai. Kitne bhi line segment aa sakte hain usme. 1 2 3 4 5. ये सारी क्या हैं? पॉलीगन्स. अब हम पॉलीगन्स के बारे में जानते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं. सी, जिसकी थ्री साइड्स हों उसको बोलते हैं ट्राइंगल, फोर साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइड वाले को पेंटागन, सिक्स वाले को हेक्सागन, सेवन साइड वाले को हेप्टागन, एट साइड्स वाले को ऑक्टागन, नाइन साइड वाले को नॉनागन, टेन साइड वाले को डेकागन. पता चल गए. अब हमें अगर नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो तो हमें नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड करने हो, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एन माइनस थ्री बाय टू. और एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स. क्लियर? जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, हेयर इट इज, फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स हुज नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन. इसमें नंबर ऑफ डायगनल फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ साइड्स गिवन है. जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्वेल्व गिवन है. फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, एन इंटू एन माइनस थ्री बाय टू. तो एन कितना है हमारे पास? 12. तो क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज, 12 इंटू 12 माइनस 3 बाय 2. 2 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 6 जा 12, क्या आ जाएगा? 6 इंटू 12 माइनस 3 कितना होता है? 9. 9 6 जा 54. तो नंबर ऑफ डायगनल्स कितने आ गए हमारे पास? 54. क्लियर? लेट्स नो अबाउट टाइप ऑफ पॉलीगन्स. फर्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें टू वर्टेसेस को ज्वाइन करते हुए तो वो पॉलीगन के अंदर ही लाई करेगी. ठीक है, और अगर पॉलीगन के बाहर लाई करे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगन. वी कैन सी क्लियरली यहाँ पे जितनी भी लाइन स्ट्रोक की हुई हैं इनके वर्टेसेस को ज्वाइन करते हुए वो अंदर ही है इस पॉलीगन के, इसमें भी और इसमें भी. अब इसमें देख सकते हैं हम, इसमें क्या है? बाहर है और इसमें भी बाहर है. ठीक है, तो जिसमें अंदर ही हों उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, और जिसमें बाहर हो उसे बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन. क्लियर? अब नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन. When all sides and angle of a polygon are equal, then it is called a regular polygon. जब उसके एंगल और साइड्स इक्वल हों तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन. यू कैन सी इन दीज फिगर्स, ये कैसे हैं? रेगुलर पॉलीगन्स हैं. क्लियर? इसमें क्या है? साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे. अब हमारे पास एक नोट है, और रेगुलर ट्राइंगल इज ऑल्सो नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल. रेगुलर ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोलते हैं. कैसे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी. और ऐसे ही अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो नोन एज अ स्क्वायर. स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज है? स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए वो रेगुलर पॉलीगन है. क्लियर? हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड. अगर हमें इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगन का, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. क्लियर? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स हैं इसमें, वन टू थ्री फोर. तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? फोर. और अगर मुझे इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है, तो इसका फॉर्म क्या आ जाएगा? सम फोर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. तो फोर माइनस टू टू, टू मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, कितना आ जाएगा ये? 360 डिग्री. क्लियर? तो ऐसे हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जिसकी साइड्स गिवन हो हमें. अब नेक्स्ट है हमारा कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री अपॉन एन. जो ये फॉर्मूला गिवन है हमें इंटीरियर एंगल्स का, अगर हमें ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम जो हमारे नंबर ऑफ साइड्स है उसी से डिवाइड कर देंगे इसको. जैसे यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम तो कितना है? 360 डिग्री. और अगर हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो कितना आ जाएगा? 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से. 4 9 जा 36 एज इट इज, तो क्या आ गया? 90 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री. क्लियर? नाउ लेट्स नो अबाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन. एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है? जैसे ये ट्राइंगल गिवन है हमें, ये इसकी प्रोड्यूस्ड साइड है. ठीक है, और ये इसकी एडजेसेंट साइड है. प्रोड्यूस्ड साइड और एडजेसेंट साइड को ज्वाइन करते हुए जो एंगल बनता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल. इस क्वाड्रिलेटरल की क्या है? प्रोड्यूस्ड साइड दिस वन, और ये है एडजेसेंट साइड. यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर. मतलब जो कि हमारे पॉलीगन के बाहर की तरफ हो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? अब
द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री. जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा 360 डिग्री. और अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन. अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है रेगुलर पॉलीगन की तो वो क्या हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट तो किया इसका. अब सेकेंड है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद साइड्स दिस. एन कितना गिवन है हमें 20, और हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है, फॉर्मूला एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. क्लियर, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री. 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा 18, और ये 180 डिग्री. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 3240 डिग्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन विद साइड्स दीज. तो फर्स्ट वन है 6, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री अपॉन n. तो वैल्यू पुट करेंगे इसकी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री अपॉन 6. 6 3 से होता है 18, तो 6 माइनस 2 क्या होता है 4. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 120 डिग्री. इसके बाकी पार्ट्स ऐसे ही करेंगे. अब फोर्थ है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद साइड्स दीज. फर्स्ट है 12 dB. इसका फॉर्मूला सिंपल है 360 डिग्री अपॉन एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 12. 12 3 जा होता 36, तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री. सो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 30 डिग्री. ऐसे ही हम इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे. क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.